उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक तस्वीर दिखाते हैं। नदी की बीच धार में पूरी बस फंस गई, चारों तरफ सैलाब और बीच में बस और उसके अंदर मुसाफिर, लगभग 25 यात्री बताए जा रहे हैं। काफी देर तक बस यूं ही फंसी रही, जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं। सवारियों की जान अटकी रही, हालात देखकर हर किसी की चीख पुकार निकल रही थी। कोटा नदी के तेज बहाव में 40 लोग काफी देर तक फंसे रहे, जिस तरह से जानकारी मिल रही है। राहत के लिए JCB बुलाए गए और फिर एक एक करके सभी को बचाया गया। बस नजीबाबाद से हरिद्वार की तरफ जा रही थी, लेकिन उन सभी लोगों से जो नदी कुदरत और किस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको चुनौती देते हैं, उनको लगता है कि शायद वो हीरो बन के निकल जाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है और सबक भी है कि कृपया अपने जान को जोखिम में ना डालें। आप अपने साथ साथ परिवार और जो तमाम मुसाफिर हैं उनकी भी जिंदगी खतरे में डालेंगे। कुछ गलती होती है बस चालक की, कंडक्टर की, लेकिन कुछ मुसाफिरों की भी जो उकसाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ हाँ ले चलिए हम तैयार हैं। अब देखिए क्या सबक है, क्या नतीजा परिणाम है, ये सबके सामने है। तो उनके लिए कृपया अपील करते हैं हम कि इस तरह के आप दुस्साहस ना करें, नतीजा ठीक नहीं होता है। तो नदी में उफान, बीच दार में घंटों ये बस फंसी रही और JCB के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया है और चीख पुकार मस्ती रही। तमाम दोनों नदी के हिस्सों पर सैकड़ों लोगों का जमावड़ा हो गया था, प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, SDRF को उतारना पड़ा और किसी भी तरह से इनको बचाया गया है। सुनिए एक बार फिर से। ऊपर से ली गई हुई एक तस्वीर देखिए जरा, और तेज बहाव को देखिए और समझिए। फिर भी अगर इसमें आप अगर निकलने की कोशिश करते हैं तो ये समझ से परे, लगभग आधी बस डूब चुकी थी, अब उसके अंदर सवारी बैठे हुए हैं और जान हलक तक पहुंच गई। और निश्चित तौर पर ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती और कह लीजिए राहत और गनीमत की बात ये कि इस धार ने बस को अपनी चपेट में नहीं लिया, बहाया नहीं, अन्यथा परिणाम क्या होता समझा जा सकता था। और हाल फिलहाल देश के कई राज्यों में चूंकि मानसून ने दस्तक दे दिया है, बारिश हो रही है और तमाम तस्वीरें इस तरह की आई हैं, बावजूद इसके सबक नहीं लिया गया। तो अगर नहीं ले गए तो फिर से हम अपील करते हैं, आज तक लगातार आप सभी दर्शकों से, सभी जनता से, पूरे देश की जनता से अपील कर रहा है, सभी जो चालक हैं कृपया इस तरह के दुस्साहस ना करें, ठीक नहीं होता है। देखिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। JCB की मदद से इन सवारियों को निकाला गया है, JCB पर बैठकर इनको ऊपर खींचा गया। कोटा वाली नदी का ये वही पुल है जहां पर रुपरिया से देहरादून जा रही रोडवेज की बस फंस गई थी, आप देख सकते हैं। अब इस बस को निकालने का प्रयास शुरू हो चुका है, बस को निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ बस को निकालने का काम चल रहा है। करीब इस बस के अंदर 2 दर्जन सवारियां मौजूद थी जिनको धीरे से निकाल लिया गया है, अब बस को नदी से निकालने का काम चल रहा है। हमेशा याद रखिए कि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है, परिवार इंतजार कर रहा है, कृपया हर अपने, फिर से सुनिए एक बार फिर से, आपको वहां से रिपोर्ट हम दिखाते हैं। बिजनौर में कोटा वाली नदी का ये वही पुल है जहां पर रुपरिया से देहरादून जा रही रोडवेज की बस फंस गई थी, आप देख सकते हैं। अब इस बस को निकालने का प्रयास शुरू हो चुका है, बस को निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं यहां बस को निकालने का काम चल रहा है। करीब इस बस के अंदर 2 दर्जन सवारियां मौजूद थी जिनको धीरे से निकाल लिया गया है, अब बस को नदी से निकालने का काम चल रहा है। Thank you.
तो राहत बचाव के लिए कई जेसीबी को बीच मझधार में उतारा गया ताकि जो सवारी हैं, मुसाफिर हैं, बस के अंदर जो फंस गए थे, जिनकी जान हलक तक अटकी हुई थी, उनको निकाला जा सके, उनको बचाया जा सके। गनीमत रात की खबर ये है कि सबको निकाला गया है और बस को निकालने की कोशिशें अब चल रही हैं, लेकिन फिर से जो लोग जिस तरह से डेयर डेविल जो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं कुदरत के खिलाफ, लेकिन वो सबक ले रहे हैं इससे। बॉर्डर की उसी कोटा वाले नदी पर खड़े हैं जहां पर रुपड़िया डिपो की बस जो हरिद्वार जा रही थी वो नदी में फंस गई थी। आप देख सकते हैं इस नदी में कितना पानी है और इसके साथ साथ अब इस बस को आप देखें निकाल लिया गया है, बड़ी मुश्किल से क्रेन निकाल ली है और धीरे धीरे सवारियों को भी निकाल लिया गया है। इसके अंदर लगभग 2 दर्जन सवारियां थी जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। फिलहाल बस आपके सामने और लोग इस समय सवारी खड़ी है और सबको सकुशल निकाल लिया गया है। मैं संजीव शर्मा, बिजनौर, आज तक। चलिए, राहत की बात यह है, जैसा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि सभी जो सवारी थी उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये गनीमत की बात, ये राहत की खबर। लेकिन इस तरह दोबारा नौबत ना आए, जो लोग भी इस तरह से अगर पार करना चाहते हैं वो ना करें। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, बिजनौर यूपी की तस्वीर और जेसीबी को वहां पर उतारना पड़ा है और बस को भी फिलहाल निकाला जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, सबको सुरक्षित निकाल लिया गया।